एससी तैयारी 1.0 और 2.0 पर लटक रही है तलवार, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो इसमें करने लायक है, जो हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्या क्या हो सकता है और कहां कहां चीजें बदल सकती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बीपीएससी तैयारी 1.0, जैसा कि हमने बहुत सारे वकीलों से भी बात की, जो लोग अभी केस लड़ रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो ये है कि 1.0 में तो बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, कि 1.0 वाले जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने 1.0 ज्वाइन किया है उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2.0 में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि एएनएम की भर्ती वाली जो बात कही जा रही है, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि जो नियमावली पहले थी कि मार्क्स बेसिस पे लिया जाएगा, उसी बेसिस पे उसका ये होना है, एग्जाम नहीं आप ले सकते हैं, क्योंकि खेल के दौरान खेल के नियम चेंज नहीं किए जा सकते हैं, खेल के दौरान प्लेयर चेंज नहीं किए जा सकते हैं, रूल्स चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ये माननीय न्यायालय का कहना है कि बीच में आप रूल्स चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोचे फंस रहे हैं। तो फाइनली डिसीजन आ गया कि भैया आप बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते, आपने जो नोटिफिकेशन निकाला था कि मार्क्स के आधार पर लेंगे तो आपको उसी आधार पर लेना पड़ेगा। अब यहां 2.0 में पचरा क्या फंस रहा है, 2.0 में पचरा ये फंस रहा है कि भैया हिंदी को हटा दिया गया बीच में एकाएक, तो वही बात है, आप एकाएक गेम के रूल्स चेंज नहीं कर सकते जब आप गेम आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो हिंदी को हटा दिया गया कि भैया पास फेल है कोई बात नहीं, और कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ कि महिलाओं को जहां 50% का रिजर्वेशन था वहां मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ लगभग सेम रहा, बहुत सारी सीटें खाली रही, जो भर्तियां अनाउंस्ड थी वो सीटें भी खाली रही। जैसे अगर मान लीजिए किसी का कट ऑफ 80 नंबर चला गया और मिनिमम क्वालिफाइंग 40 नंबर है, तो जिनको 60 नंबर है आप उनको कहीं नहीं लिए। जैसे अगर मान लीजिए कि कट ऑफ जो है वो 80 नंबर है और स्टूडेंट का मार्क 60 नंबर है, मिनिमम क्वालिफाइंग आपने कहा है 40% होगा, तो जब मिनिमम क्वालिफाइंग को ये लड़का पार है जिसको 60 नंबर है और आपके पास सीट बच रहा है, तो आपने अपने कट ऑफ को पीछे क्यों नहीं लाया, आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया, बीच में आप रूल बदल दिए कि भैया पहले आपने कहा कि नहीं इतना नंबर का हिंदी होगा, फिर बाद में आपने कहा नहीं इतना नंबर का हिंदी होगा, फिर बाद में आपने कहा हिंदी होवे नहीं करेगा। ये पचरा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और इस पर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, हमको लगता है 2.0 पे 25+ केसेस हो चुके हैं, और फेयर बात तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप रूल ये बनाते हैं कि किसी को खून करने से आपको फांसी की सजा होगी, तो जो लोग खूनी होंगे उनको तो ये बात चुभेगी ही चुभेगी। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है तो माननीय न्यायालय को इसमें एक्शन लेना ही पड़ेगा और लेना भी चाहिए, और हम सब लोग, हम हो या सरकार के लोग हो, माननीय न्यायालय की कदर करते हैं सब लोग और करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने संविधान पर भरोसा है, हमें अपनी कानूनी व्यवस्था पर भरोसा है। जो गलत तरीके से गए हैं, गलत फर्जी डिग्री के लेकर गए हैं, आज हो कल हो परसों हो, आपका जॉब जाना तय है और जेल भी जाना आपका तय है, इसलिए आप भी एकदम सावधान, एकदम जाना चाहिए। जो गलत तरीके से गलत डिग्रियां लेके अगर आप जा रहे हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है कि आप किसी कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं, 80 एगो सीट है उसका, वो 120-150 सीट वो एडमिशन ले रहा है, पता चला बिहार में कैसे डिग्रियां मिल रही है सबको पता है, तो आप वहां से डिग्री ले रहे हैं, यूजीसी जो है उसको मान ही नहीं रही है, वो कहती नहीं भैया इस कॉलेज में 80 सीट है, 80 स्टूडेंट को हम मान्यता देंगे, तो बीपीएससी डायरेक्ट वहां से ये ले रही है, डेटा ले रही है, कॉलेज से नहीं ले रही है, यूनिवर्सिटी से डेटा ले रही है, तो वहां से जो डेटा मिल रहा है उसमें बहुत सारे इलीगल चीजें पाई जा रही है, तो कोई भी कहीं से भी बीएड ना कर लें, डीएलएड ना कर लें, नहीं तो बुरे तरीके से फंसिएगा, आज फंसिए कल फंसिए परसों फंसिए फंसवे कीजिएगा। तो जो पेंच फंसता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 2.0 में पेंच फंसता हुआ दिख रहा है और फंसना भी चाहिए। जो बच्चा गलत किया है, अगर बोर्ड ने कहीं गलतियां की है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, अगर बोर्ड की गलती है तो हो सकता है फिर से रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। कुछ लोग कहेंगे ओ अब तो जॉब हो गया अब क्या होगा, मेरे दोस्त सामने वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल है, हजारों शिक्षकों को ब्याज सहित पैसा वापस करना पड़ा है, 26,000 शिक्षकों को। तो ये बात भूल जाइए कि कुछ नहीं होगा, इस पर केसेस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, हो सकता है ऐसा हो कि जो इंग्लिश हिंदी में पास होंगे
उनको ही रिजल्ट में सम्मिलित किया जाए और रिवाइज रिजल्ट दे दिया जाए, या हो सकता है एग्जाम ही रद्द कर दिया जाए 2.0 का। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पेच फंसती हुई दिख रही है। और कानूनी प्रक्रिया में आप समझिए लगभग 25 प्लस केसेस जो है अनुमानित है कि हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी जरूर। तो दोस्त मेरे अब क्या करना है, दोनों बातें हैं। जो बच्चे 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम हो भी करेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं एग्जाम होगा नहीं होगा, तो दोस्त मेरे मैं बता दूं आपको कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले परीक्षाएं जितनी भी बिहार में है वो सब हो जाएंगी, एकदम आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। 2025 में चुनाव है, 2024 में सभी परीक्षाएं हो जाएंगी अपने नियमित समय पर, एकदम आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो जो 3.0 की तैयारी कर रहे हैं वो तो करिए ही करिए, 4.0 का भी एग्जाम होवे करेगा, ये भी बात फिक्स है क्योंकि वो चुनाव से पहले है। और 2.0 का भी जो बच्चा ज्वाइन कर लिया है, अगर आप हिंदी विंदी में फेल हैं, लैंग्वेज पेपर में फेल हैं, तो आप 3.0 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और 3.0 को आप अपीयर भी कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं चांसेस हैं, आज हो, 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, तो आप अपने आप को सेफ जोन में लाइए। इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, और हम तो कहेंगे कि एकदम अगर गड़बड़ियां हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और एकदम जांच होकर जो लोग इसमें शामिल हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे अगर बोर्ड शामिल है तो उसको भी अपनी चीजों को ठीक करना होगा, लेकिन अगर कोई पर्सनल आदमी शामिल है तो उसको भी अपनी चीजों को ठीक करना होगा। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो, यहां जो मिनिमम क्वालिफाइंग था उसकी बात होनी चाहिए, और ये सारा चीज कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। अब बहुत जल्द वो चीजें भी सामने आ जाएंगी, हमको लगता है कि एक आध महीना में ये चीजें सामने आ जाएंगी। तो मेरे दोस्त अब फाइनली क्या करना है, 3.0 वालों को तो एकदम लग जाना है कि हमको भैया तैयारी करनी है, करनी है, करनी है, और आपका एग्जाम भी होवे करेगा। कुछ लोग चिंतित हैं होगा नहीं होगा, विधानसभा चुनाव है 2025 में, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त आपका एग्जाम होवे करेगा, आप एकदम तैयारी में लग जाइए। और किसी भी फालतू वीडियोस में मत पढ़िए, कंटेंट को देखिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, और कंटेंट ही आपको रिजल्ट तक पहुंचा पाए। 75 लोग 75 तरह की बातें होंगी, उस सब को आप छोड़ दीजिए। अगर 2.0 वाले भी हैं जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं तो आप आगे की तैयारी आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जॉब चला ही जाएगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बनता है, इसलिए थोड़ा बहुत आप देखते रहिए। 3.0 वाले एकदम जान झोंक दीजिए, क्योंकि कंटेंट ही आपको बचा सकता है, बातें नहीं, बातें आपको बचा नहीं सकती है, सिर्फ कंटेंट आपको बचा सकता है। तो इस दिशा में हम भी पढ़ाते हैं। अगर आपको लगे कि हमको झांसर से जुड़ना है, 6:20 में डेली शाम में, 6:20 में डेली शाम में जो है हम एनसीईआरटी लेकर आते हैं, एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन 20 दिन 20 कक्षा, 4 कक्षा हुआ है। अगर आपके पास समय हो 6:20 में जरूर आइए। और रात में 10:30 जो है मैथ की क्लास लगती है, इसके बाद 6:30 के बाद 7:00 से 7:00 शाम में जो है करंट अफेयर्स की क्लास लगती है, 9:00 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्ट्री का क्लास लगता है, और 10:30 से द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रात में मैथ का क्लास लगता है। तो अगर आपके पास समय हो तो वेलकम है आपका, और एकदम चला जी, हम तो कहेंगे जो लोग दोषी है उसको पनिशमेंट एकदम मिलना चाहिए। दोषी के साथ अगर पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग गलत करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।